दोस्तों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टमाटर की पौध कैसे तैयार करते हैं इसके संबंध में बताना चाहूँगा। ये तो आप जानते हैं कि टमाटर हमारी एक ऐसी फसल है जो आजकल पूरे वर्ष भर मिलती है। पहले ये मौसम के हिसाब से होती थी, लेकिन अब चूँकि कुछ संकर प्रजातियाँ आ गई हैं और टेक्निक थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है, उसकी वजह से ये पूरे वर्ष भर आपको मिलता है। और टमाटर बेसिकली गर्म ऋतु का पौधा है, लेकिन इसकी खेती टेम्परेट से लेकर के ट्रॉपिकल रीजन तक होती है, जिसके उगाने की तरीका अलग अलग और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि नर्सरी क्या है। नर्सरी वो क्षेत्र है जिसमें हम किसी भी फसल की पौध तैयार करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमको पौधशाला बनाते समय कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहले बात यह है कि जिस स्थान का हम चुनाव करें वह स्थान हमारे जिस खेत में हमको रोपाई करनी है उसके नज़दीक हो, या जहाँ पर हमारा घर है उसके नज़दीक होना चाहिए। दूसरा यह है कि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा पर्याप्त होनी चाहिए। तीसरी बात है कि वह क्षेत्र बच्चों से और जंगली जानवरों से सुरक्षित होना चाहिए। चौथी बात है कि उस क्षेत्र के आसपास कोई भी ऊंचा वृक्ष नहीं होना चाहिए या कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए जिसकी छाया नर्सरी के पौधों पर पड़े। उसके अतिरिक्त वह क्षेत्र उपजाऊ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के बहुत अधिक खरपतवार या बहुत ईंट पत्थर या रोड़े इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस भूमि का हम चुनाव करें वह भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, जिसमें अच्छे ढंग से कृषि क्रियाएँ की जा सकें। किसान भाइयों, ये तो आप जानते ही हैं कि टमाटर एक व्यावसायिक फसल हो गई है और इसकी खेती पूरे वर्ष भर की जाती है। तो इसको करने के लिए कुछ आवश्यक बातें ये हैं कि आप जो भी बीज खरीदें प्रमाणित संस्था से खरीदें, और बोने से पहले बीज का उपचार अवश्य कर लें। बीज आपका उन्नत सी प्रजाति का होना चाहिए और उसकी अंकुरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप किसी प्रमाण संस्था जैसे TDC है, तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, या और कोई संस्था है आपके नज़दीक, तो आप उसे प्रमाण संस्थाओं से ही बीज का खरीदें और उसके बाद उसकी बुवाई अपने प्रयोग के लिए करें। अब किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि आपको पौधशाला बनाते समय कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके लिए आवश्यक है। मैंने आपके लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं नर्सरी के संबंध में, उसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि नर्सरी प्लॉट्स हमेशा बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। उसके पास जो मिट्टी है उसकी, उस क्षेत्र की, वो उपजाऊ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े या बहुत ज़्यादा उसमें ऊसर भूमि नहीं होनी चाहिए। नर्सरी शुड बी सेलेक्टेड नियर टू दी प्लॉट, मतलब कहने का है कि जो आपका प्लॉट है जिसमें आपको पौध लगानी है वो क्षेत्र आपका खेत के नज़दीक पास होना चाहिए। और उसमें जो भी आप उर्वरक डाल रहे हैं उसमें कोशिश ये करें कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम किया जाए। आपके पास यदि गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद है तो उसका प्रयोग करें, या ये बर्मी कंपोस्ट है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या मुर्गी के लीटर की जो खाद होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मुर्गी की लीटर की खाद जो है आपको वहाँ से लाने के पश्चात तुरंत नहीं डालने हैं, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है और यदि आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे, उगते हुए पौधे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से पौधे मर जाते हैं। तो ध्यान रहे कि यदि आपको आवश्यकता है उसको डालने की ही, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो आप उसको मुर्गी की जो खाद है उसको ला करके अपने नर्सरी के क्षेत्र में कहीं एक कोने में रखिए, और उसको फिर किसी बाल्टी के पानी द्वारा या किसी पानी की उससे भिगोते रहिए, और करीब 10-15 दिन के बाद फिर उसको आप सुखा दीजिए, और सुखाने के बाद फिर उसको आप नर्सरी में डाल सकते हैं।
तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसमें जो यूरिक एसिड की मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और उसके बाद फिर आपकी पौधशाला में वो आपके पौधों को नुकसान नहीं करेगा, हानि नहीं पहुँचाएगा। ये तो बात हुई कुछ नर्सरी के संबंध में। अब नर्सरी की आवश्यकता क्यों है? नर्सरी की आवश्यकता इसलिए है कि हम जब पौध तैयार करते हैं तो कुछ दो तरह की अगर सब्जियां पाई जाती हैं, एक ऐसी सब्जियां जो कि बीज के द्वारा तैयार होती हैं और जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, उनको एक समान हम क्यारी पर नहीं बिखर सकते, इसलिए उनको हम पौधशाला में तैयार करते हैं जो छोटे बीज वाली होती हैं, तो इनको हम रोपाई वाली फसलें कहते हैं। और कुछ ऐसी फसलें होती हैं सब्जी की जिनके के बीज बड़े होते हैं और उनको हम सीधे खेत में बो सकते हैं और बोया जाता है, जैसे आपकी मटर है, लोबिया है, बाकला है, इस तरह की जो फसलें हैं इनको आप सीधे, फ्रेंच बीन है, इनको आप सीधे खेत में बो सकते हैं। लेकिन टमाटर हुआ, बैंगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी की फसल है, प्याज है, इनके बीज छोटे होते हैं, इसलिए हमको इनका पहले पौध तैयार करनी पड़ती है और पौध तैयार करने के पश्चात फिर इनको हम खेतों में रोपाई करते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि जो भी आप बीज लेते हैं उस बीज का उपचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि बीज का उपचार नहीं करते हैं तो इसमें पौधशाला में बहुत सारी बीमारी जैसे आर्द्र विघटन बहुत ज़्यादा लगती है, तो उससे बचाव के लिए आवश्यक है कि आप बीज का उपचार किसी भी कवकनाशी दवा से या किसी भी बायो एजेंट से जिसमें आपका ट्राइकोडर्मा है उसे अवश्य करें। और इसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको आवश्यक है कि आप उसको ध्यान में रखें और उसके बाद में खेत का चुनाव करके उसमें आप पौधशाला तैयार करें। अब है कि आप क्यारी किस तरह से बनाएंगे। तो जो भी खेत आपने चुनाव किया है उस खेत की भली बात से जुताई कर लीजिए और जुताई करने के बाद उसके मिट्टी जो बड़े बड़े ढेले हैं उसके अंदर उनको फोड़ करके बारीक कर लीजिए और उसमें जो भी खरपतवार हैं, घास उग रही है, उसको सबको निकाल के आप बाहर कर लीजिए और उसके मिट्टी के बाद मिट्टी को बारीक कर लीजिए। और मिट्टी को बारीक करने के बाद फिर उसमें आप 20 से 25 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी जो धरातल से कम 6 इंच उठी हुई होनी चाहिए इस तरह की क्यारियाँ बनाएंगे और दो क्यारियों के मध्य में कम से कम 1 फीट का अंतर रखिए जिससे कि उसका पानी जो मिट्टी है वो निकाल करके आप क्यारी में डाल सकें और बाद में यही फिर सिंचाई की काम में नाली आ जाती है। तो इसका मैं अभी थोड़ा सा चित्र बनाऊंगा आपको बोर्ड पे जो मैं दिखा दूंगा। उसके बाद ये ध्यान रखें कि जो क्यारी आपने बनाई है वो एकदम से समतल होनी चाहिए उसमें और एक तरफ से ये जिधर आपका सिंचाई का साधन है उधर से दूसरी तरफ को आप थोड़ा सा ढलान रखिए। कहने का मतलब है कि 1.5 इंची का ढलान यदि आप प्रथम क्यारी से लेकर अंतिम क्यारी तक रखेंगे तो उसमें जो भी अनावश्यक पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो अब बात आई कि ये 1 मीटर की क्यारी हमने क्यों बनाई। 1 मीटर की क्यारी बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो बीज दो क्यारियों के मध्य जो नाली है उस नाली में बैठ करके आप उस क्यारी की निराई गुड़ाई कर सकते हैं। दूसरा, दोनों क्यारियों के बीच जो नाली है उसको सिंचाई के लिए काम में ला सकते हैं। तीसरा, यदि कभी वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अनावश्यक पानी जो क्यारी में भर जाता है वो पानी बहाव के द्वारा उस नाली में आ जाएगा और वो नाली फिर निकास नाली से मिल जाएगी और इस तरह से आपकी क्यारी में पानी नहीं भरेगा। तो इसलिए इसके ये बहुत फायदे हैं। तो इस प्रकार से आप क्यारियों का निर्माण कर लेते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, 20 से 25 मीटर या अपनी आवश्यकता के अनुसार जितने क्षेत्र में आपको पौध लगानी है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं, लेकिन चौड़ाई आपको 1 मीटर रखनी चाहिए। इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि कभी कभी ये भी हो जाता है कि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई कितनी पौध हमारे इसमें तैयार हो जाएंगे। तो ये जो हम बनाते हैं 1 मीटर चौड़ी, तो इसमें कम से कम ये है कि हम 100 से लेके 125 दाने या बीज बोते हैं और इनको बोने से बाद में ये मान के चलते हैं कि हमको 100 पौधे एक लाइन से मिल जाएंगे। तो लाइनों की संख्या गिन करके हम पौधों का आंकलन कर लेते हैं कि ये आंकलन करने से कितने पौधे हमारी पौधशाला में तैयार हो रहे हैं और हमको कितने अपने खेत के लिए कितने पौधों की आवश्यकता है। तो इसलिए 1 मीटर की क्यारी की चौड़ाई रखी जाती है। अब बात आती है
कि किस तरह से हम इस क्यारी का उपचार करें। जैसे भूमि शोधन या बीज शोधन करते हैं, उसी तरह से भूमि शोधन भी किया जाता है। भूमि शोधन के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो जो क्यारी आपने बनाई है उस क्यारी के ऊपर घास फूस डाल करके, पुआल वगैरह डाल करके, और उसको आप जला दीजिए, तो ये भौतिक विधि हुई है, या इसको बर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो जलने से क्या होगा, उसके अंदर जितने भी आपके जीवाणु हैं, कवक हैं या कीड़े पतंगे हैं, वो सब जल करके नष्ट हो जाएंगे। दूसरी विधि है कि हम रसायन का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी क्यारी स्टरलाइज हो जाए, जिसके लिए फार्मल्डिहाइड का सोलूशन यूज़ किया जाता है 2% का। और तीसरी विधि है शौरीकरण। शौरीकरण बड़ी सस्ती विधि है, और ये किसानों के लिए और टमाटर के उत्पादकों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। केवल आपको इतना करना है कि पॉलीथीन की सीट 1 मीटर चौड़ी 1.25 मीटर चौड़ी और जितनी आपकी क्यारी की लंबाई है उसके हिसाब से ले लीजिए, और ये कार्य आपको अप्रैल के महीने में करना पड़ेगा। अप्रैल के महीने में, 15 अप्रैल के आसपास और 15 मई तक या मई के आखिर तक, 1.5 महीने के लिए उस क्यारी को आप पूरी तरह से तैयार करके उसमें जो भी आपको खाद मिलानी है खाद मिला दीजिए। सब कुछ डालने के बाद ये समझ लीजिए कि वो तैयार हो गई आपके लिए, और उसमें हल्की सिंचाई भी कर दीजिए, और उसके बाद फिर उस क्यारी को ढक दीजिए। और ढकने से क्या होगा, इसमें चारों तरफ से एयर टाइट कर देते हैं। एयर टाइट करने का तरीका ये है कि जो भी उस पॉलीथीन की सीट के किनारे हैं उनके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए। तो मिट्टी डालने से क्या होगा कि वो चारों तरफ से मिट्टी से उसके किनारे ढक जाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि इससे मंथन क्रिया होती है, शौरीकरण के अंदर मंथन क्रिया होती है। दिन में तापमान बढ़ता है, रात को तापमान कम होता है, और ये क्रिया आपकी लगातार 1.5 महीने तक चलती रहती है। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी के बीच में और पॉलीथीन के बीच में जो आपने बिछाई है उसमें 4 से 5-6 तक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, और इस तापमान बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी कवक हैं, जितने भी जीवाणु हैं, या जितने भी आपके 1 वर्षीय खरपतवारों के बीज हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप जो नर्सरी करेंगे तो उसमें आपको कोई खरपतवार नहीं जमेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई कीड़ा आपकी उसको फसल को नुकसान नहीं करेगा। तो इस शौरीकरण विधि बहुत ही सस्ती विधि है। इसमें जो कुछ खर्चा आपको लगेगा पॉलीथीन शीट का ही लगेगा, और बड़ी ही सस्ती विधि है, इसको किसान लोग आराम से अपना सकते हैं। तो ये कुछ विधि हुई जिनके माध्यम से आप क्यारी या जो आप क्यारी है उसका उपचार कर सकते हैं। क्यारी को उपचार करने का एक तरीका और भी है जो सस्ता भी है, समर प्लाव। समर प्लाव का मतलब है ग्रीष्मकालीन जुताई। जो नर्सरी क्षेत्र है उसको आप अप्रैल मई के महीने में गहरी जुताई करने के बाद खुला छोड़ दीजिए, और उसके बाद 1-1.5 महीने तक वो खुला रहेगा, तो सूरज की जो धूप है उसके माध्यम से उस क्यारी का उपचार हो जाएगा, और उसमें जो भी कवक हैं, जो भी जीवाणु हैं आपके, बैक्टीरिया और जो 1 वर्षीय खरपतवार हैं, उनके बीज भी कभी कभी सूख करके नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि आपको क्यारी का उपचार ये आपने किया, अब कितनी इसमें खाद या उर्वरक डालने की आवश्यकता है। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप कभी भी पौधशाला में जब पौध तैयार करते हैं, तो चाहे वो सब्जी की पौधशाला हो, चाहे वो फूलों की पौधशाला हो, कभी भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ना करें। इसके लिए अच्छा होगा कि आपके पास में गोबर की सड़ी हुई खाद हो, कंपोस्ट खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, आप उनका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होगा। तो इसलिए कंपोस्ट खाद का भी लेते समय ध्यान रखिए कि जो भी कंपोस्ट खाद आप ले रहे हैं उस कंपोस्ट खाद को पहले बारीक पिसवाइए, और पीसने के बाद जब वो महीन हो जाती है तो उसे जाली से छानवा दीजिए, और जाली से छानने के बाद जो छना हुआ भाग आए कंपोस्ट का उसको आप पौधशाला में प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या करें कि उसमें 15 से 20 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से
उसमें आप डालिए और मिट्टी में ठीक तरह से मिला दीजिए, और मिलाने के बाद में अच्छी तरह से उस क्यारी को समतल कर दीजिए। और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि उपचार के लिए कीटनाशी दवा इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे दीमक की समस्या है, चींटियों की समस्या है, या ग्रास हॉपर वगैरह भी लग जाते हैं कभी कभी, तो उनसे बचने के लिए आप फ्यूराडॉन 2 से 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डाल सकते हैं, या दीमक के लिए क्लोरीपाइरीफास एक दवा आती है उसकी 0.2% का घोल बना करके उसका छिड़काव भी पौधशाला की जो क्यारी आपने बनाई है उसमें कर सकते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं फंजीसाइड से ट्रीटमेंट। फंजीसाइड से जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि बेवेस्टीन है या आपके पास में थायराम है तो आप उससे 2 से 3 ग्राम दवा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिट्टी में मिला करके और उसका उपचार कर दीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप फार्मेल्डिहाइड एक दवा आती है बाज़ार में, इसका 2% का घोल बना करके जो आपने क्यारी बना रखी है उस क्यारी को सिंचित कर दीजिए। 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से उसका घोल बनाइए और घोल बनाने के बाद क्यारी को पूरा सिंचित कर दीजिए, और फिर उस क्यारी को आप 7 दिन के लिए किसी बोरे या टाट से ढक दीजिए, और 7 दिन इससे क्या होगा कि उसमें फॉस्फिन गैस बनती है, उसकी वजह से सारे जीवाणु बैक्टीरिया सब नष्ट हो जाते हैं इसको, और 7 दिन के बाद फिर उसको आप टाट या बोरे को हटा करके उसके बाद उसकी फिर हल्की जुताई करने के बाद बुआई कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट जो मैंने आपको उपचार बताए हैं इससे आप मृदा का उपचार कर सकते हैं। अब बात आती है बीज के उपचार के, तो बीज के उपचार के भी कई तरीके हैं। इसमें भी जैसे हमने मिट्टी का उपचार किया उसी तरह से बीज का भी उपचार करेंगे। तो बीज का उपचार करने के लिए पहला तरीका है गर्म पानी से उपचार करना। तो गर्म पानी से उपचार किस कंडीशन में करते हैं, जैसे कुछ बीमारियाँ हैं जैसे फूल गोभी में होती है ब्लैक लेग, ये बीमारी है जिसकी वजह से जो बीज से उत्पन्न होती है, तो इससे बचाव के लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। और इसमें करते क्या हैं कि जो आपका पानी है उस पानी को गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जब पानी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, या मोटे तौर पर अगर आपको अनुभव के आधार पर है कि जब आपकी पानी में उंगली डालें तो आपको ज़्यादा जलन महसूस ना हो, तो इस तरह गर्म पानी होना चाहिए, 55 डिग्री सेल्सियस उसका ताप होता है। और उसमें फिर आप जो आपका बीज है बोने वाला उसको पतले कपड़े में लेकर के उसकी गांठ बांध दीजिए और गांठ कर को उस गर्म पानी में डाल दीजिए, और इस तरह से गर्म पानी में डालने से 15-20 मिनट के लिए उसे पड़ा रहने दीजिए, और उसके बाद फिर बीज को छाया में सुखाइए, और छाया में सुखाने के बाद फिर आप उसकी कवकनाशी दवा से उपचार करके बुवाई कर सकते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट हॉट ट्रीटमेंट हुआ, दूसरा हुआ कवकनाशी दवा या फंजीसाइड से ट्रीटमेंट। तो बीज के उपचार के लिए अधिकांश हम लोग थायराम, कैप्टान या एग्रोसन जीएन का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें आजकल थायराम बंद हो चुका है तो कैप्टान का आप उपयोग कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम दवा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है, और अक्सर ये पौध उगाने वाले लोग गलती क्या कर देते हैं कि वो किसी चौड़े मुँह के बर्तन में बीज को ले लेते हैं और उसमें चुटकी से दवाई डाल देते हैं और फिर उंगलियों से दवाई को मिला देते हैं तो सारी दवा उनके हाथों में लगी रह जाती है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए और उस घड़े में बीज को डालिए और उसी में दवा को डाल दीजिए, और घड़े का मुँह पॉलीथीन से बांध दीजिए। पॉलीथीन से बांधने के बाद में फिर उसको आप घुमाइए दोनों हाथों में, मुँह जो है उसका घड़े का वहाँ एक हाथ रखिए और एक हाथ उसके पैने में रखिए, और फिर घड़े को घुमाइए डायरेक्शन में, घड़ी की डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा कि घुमाने से जो दवाई है उसके बीज के ऊपर पूरी तरह से उसकी एक परत जम जाएगी, और उस परत के बाद फिर आपका बीज का उपचार हो चुका है, अब उसको आप बो सकते हैं जहाँ भी बोना है आपको क्यारी में। तो एक उपचार ये हुआ। अब कभी कभी यदि आप चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक खेती करनी है और हमको इस तरह से उपचार नहीं करना है तो हम ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा के उपचार के लिए आवश्यक है कि आप 8 से 10 ग्राम दवा 1 किलो बीज के लिए मिलाते हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा मिलाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि पहले बीज को पानी में हल्का सा भिगो देते हैं,
जिससे उसमें थोड़ी नमी हो जाए। उसके बाद फिर ट्राइकोडर्मा दवाई जो है उसको अच्छे तरह से दवा बीज के ऊपर छिड़क देते हैं और फिर उसको मिला देते हैं। तो इस तरह से ट्राइकोडर्मा का उपचार करते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया आपको कि ट्राइकोडर्मा और रसायन कवकनाशी दवा का एक साथ उपयोग नहीं करना है। नर्सरी में भी फिर आपको ट्राइकोडर्मा ही 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना पड़ेगा, तभी आप बीज का भी उपचार ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके फिर पौधों पर उगने में समस्या पैदा होगी। इसके बाद कुछ रसायन हैं जिसमें ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जिनका हम उपयोग बीज के उपचार के लिए करते हैं, और ये उस कंडीशन में किया जाता है कि जब बीज हमारा जमता नहीं है। जैसे टमाटर का पौधा है, मैं बीज इसकी हम आसानी से 3 साल तक इसका भंडारण कर सकते हैं, 3 साल के बाद ये बीज का जमाव कम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी उस बीज का जमाव कम ना हो तो उसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हम कई रसायन हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जिब्रेलिक एसिड है, 10 ppm का घोल बना करके उसमें आप 24 घंटे के लिए भिगो के रखिए और उसके बाद बीज की बुवाई कर दीजिए। इसके अतिरिक्त 2,4-D नामक एक रसायन आता है और ये रसायन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसका प्रयोग हम लोगों ने किया है। इसके बाज़ार में 80% का सोडियम साल्ट आता है 2,4-D का, इसको आप ले लीजिए 150 mg दवा लेकर के उसको 1 लीटर पानी में घोल लीजिए, और 1 लीटर क्योंकि ये सीधे सीधे पानी में घुल जाता है, और पानी में घोलने के बाद में ये जो सोल्यूशन आपका तैयार हुआ घोल ये 1000 ppm का हो गया, लेकिन हमको सिर्फ चाहिए 2 से 4 ppm या 5 ppm, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर दवा नुकसान करेगी। तो उसमें क्या करें, जो आपने घोल बनाया है उस घोल से 5 ml दवा निकाल के फिर 1 लीटर पानी में उसको डुबोइए। तो ये कार्य आपको 2 बार करना पड़ेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, सोडियम साल्ट बाज़ार से 80% का आता है 2,4-D का, इसे आप ले सकते हैं बाज़ार से। उसमें से 1250 mg या 1.25 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल दीजिए, तो ये जो आपका घोल तैयार होगा ये 1000 ppm का घोल तैयार हो गया। अब इस घोल से फिर आपको अपनी सांद्रता के अनुसार, जैसे 2 ppm का बनाना है तो 2 ml ले लीजिए और 1 लीटर पानी में घोल दीजिए। लेकिन यहाँ हम बीज का उपचार कर रहे हैं तो यहाँ 4 ppm दवा सबसे अच्छी होगी, 4 ml दवा लेकर के 1 लीटर पानी में घोल दीजिए, और उस घोल जो बना लिया है उसका उपयोग अब बीज को भिगोने के लिए करिए। जो आपने घोल बनाया है, जितना आपको बीज, मान लीजिए 1 किलो बीज बोना है, तो आप उसमें उस दब पानी को डाल दीजिए जो घोल बनाया है, और उसको फिर 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और 24 घंटे में छोड़ने के बाद फिर उसको आप छाया में सुखा दीजिए, और छाया में सुखाने के बाद फिर आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। तो ये आपका उपचार जो है इस तरह से हो सकता है। तो इस प्रकार से ये 2-3 तरीके हैं जिस तरह से हम बीज का उपचार कर सकते हैं, फंजीसाइड से पहला, दूसरा हॉट वाटर ट्रीटमेंट का, और तीसरा आपका ग्रोथ रेगुलेटर के द्वारा। तो ये 3-4 विधि मैंने आपको बताई हैं इस तरह से आप बीज का उपचार कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप उसकी बुवाई कैसे करेंगे। तो बुवाई के लिए जो आपने क्यारियाँ तैयार कर रखी हैं उन क्यारियों में आप 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 से 2 सेंटीमीटर गहरी किसी पतली बांस की खपत से या नुकीले लकड़ी से निशान बनाइए गहरे, और पूरी क्यारी में इस तरह के निशान बना दीजिए। और वैसे सामान्यतः अगर आपके पास कुछ नापने के लिए नहीं है तो जो मनुष्य का हाथ है उसका हाथ की चौड़ाई होती है, ये जो हाथ है आपका ये 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है, तो इतनी चौड़ाई में लेकर के आप क्यारी पर रखिए और निशान लगा दीजिए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपका 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना चौड़ा रख सकते हैं, और इसकी ये जो उंगली का पहला निशान है इतना आप गहरा इसका लाइन बनाइए, और इस तरह से लाइन बनाने के बाद आप पूरी क्यारी को तैयार कर लीजिए। जब इस तरह से आपकी पूरी क्यारी तैयार हो जाती है तो आपने जो बीज उपचारित करके रखा हुआ है उस बीज को, इसमें ध्यान रहे कि बीज को आपको एक लाइन में, एक कतार में 100 से 125 130 बीज से ज़्यादा नहीं बोना है। इससे अगर ज़्यादा घना बीज बो देंगे तो पौधे ज़्यादा उग जाएंगे, वो फिर जो है आपस में प्रतियोगिता करेंगे
और उससे फिर पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा बीज न गए, उसको ज़्यादा घना न बोएं। जब इस तरह से आप सारे बीज को बो देते हैं क्यारी में, बोने के बाद फिर हल्के हाथ की जो हथेली है आपकी, इसी की मदद से आप उसको ढक दीजिए और समतल कर दीजिए। और समतल करने के पश्चात फिर समस्या आती है कि अब क्या करें। यहाँ पर दो कंडीशन है। यदि आपकी क्यारी में पहले से नमी पर्याप्त है तो आप इसके ऊपर सीधे सीधे पलवार का उपयोग कर सकते हैं, और यदि उसमें पानी पहले से आपने नहीं लगाया है, पलेवा नहीं किया है और मिट्टी सूखी है और उसमें आपने बुवाई कर दी है या कम नमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, पलेवा डालने, ये पलेवा जो डाला आपने, ये मल्च पलवार जो डाली है, उस पलवार के ऊपर से फिर आप सिंचाई कर सकते हैं और फुहारा लीजिए और फुहारे से हल्की सिंचाई कर दीजिए। तो दो तरीके हैं इसके। तो अब पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपको पलवार कैसे डालना है। तो इसके मुँह में बताना चाहूँगा कि मैं इसको बोर्ड पर आपको बना करके दिखाऊँ। ये मैंने आपके सामने नर्सरी बेड का लेआउट बनाया हुआ है, ये आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। इसमें ये हमारी 1, 2, 3 बेड बना रखी हैं। ये पाथ है, ये इरीगेशन चैनल है, ये और ये लास्ट में ड्रेनेज चैनल है। इधर वाटर सोर्स है। इसकी लंबाई पूरी क्यारी की 15 से 20 मीटर जैसा कि मैंने आपको बताया था रखी जाती है, और बेड की चौड़ाई 1 मीटर रखते हैं। और इसका कारण मैंने बताया कि ये जो इरिगेशन चैनल है, यहाँ पर आदमी बैठ करके आधी क्यारी की निराई गुड़ाई इधर से करेगा और यहाँ बैठ करके आधी क्यारी की निराई गुड़ाई इधर से करेगा। और जब हम पानी देते हैं और पौधे छोटे होते हैं तो उस समय पानी इस चैनल्स में भर दिया जाता है, इनमें, तो सीपेज के माध्यम से पानी पूरा हमारी बेड को भिगो देता है और बास्ट में जो फालतू पानी होता है एक्स्ट्रा, वो पानी ड्रेनेज होकर के बाहर निकल जाता है। तो ये आपका लेआउट प्लान है। इसमें 15 से 20 मीटर इसी लंबाई है और 1 हेक्टेयर खेत के लिए आपको 80 से 100 मीटर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी क्षेत्रफल की। अब मैं बता रहा था आपको कि ये जो आप बेड तैयार करने के बाद इसमें आपने गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद जो भी डाल लिया आपको डाल लेनी है, लेकिन ध्यान रखिए कि कभी भी NPK के रूप में यूरिया, सुपरफास्फेट या म्यूरेट पोटास मत दीजिए। अगर आपके पास में पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद है तो आप उसका इसमें इस्तेमाल करिए और 15 से 20 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसको डाल करके बेड में मिला दीजिए। और उसके बाद भी ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये 8 से 10 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरी लाइन की और इसमें 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई के नाली बना करके इन नालियों में बीज की बुआई की जाती है। और बीज की बुआई करने के बाद फिर इसको मिट्टी के तरह से हल्के से इसको बंद कर देते हैं इस तरह से। और बंद करने के बाद में फिर मैं कह रहा था आपको कि इसमें अगर पहले से आपकी नमी नहीं है तो इससे बाद हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर मल्च डालते हैं, मल्च या पलवार का प्रयोग करते हैं। और मल्च के लिए हम कांस, सेक्रम स्पॉन्टेनियर कांस बोलते हैं इसको, कांस का प्रयोग करें या गन्ने की सूखी पत्ती, ये पलवार के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये ध्यान रखिए कभी भी आप पुआल का प्रयोग मत करिए। अब क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं करें, क्योंकि इसका प्रयोग करने से क्या होता है कि आप कितना भी पुआल को पीट दीजिए उसमें थोड़े बहुत दाने रह जाते हैं धान के, और उसके लालच में चूहे उसमें लग जाते हैं। तो जब आप इसमें डालेंगे तो उसमें जो दाने हैं उनके लालच में चूहे आ जाएंगे और फिर आपके ये उगते हुए बीजों को खा जाएंगे चूहे। तो इसलिए पुआल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए आपको। तो इस तरह से आप इसमें बुआई करने के बाद इसके ऊपर से पलवार डाल देंगे, और पलवार जो है मौसम के हिसाब से होती है। यदि आपका गर्मी का मौसम है तो इसकी मोटाई पलवार की 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए, और यदि जाड़े का मौसम है तो ये पलवार थोड़ी मोटी रखी जाती है, 3-4 सेंटीमीटर मोटी रखी जाती है। और इसके लिए कांस आप इधर से इसकी जो जड़ वाला हिस्सा है इस साइड को रखें और इस तरह से इसमें डालते जाएँ, और एक के बाद एक तह एक इस तरह से बिछाते जाते हैं और दूसरी तरह इस साइड से बिछाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरी जगह उठाने में आसानी होती है। तो बीज को बोने के बाद मिट्टी को ढक दीजिए, फिर इसके ऊपर पलवार डाल दीजिए, और पलवार डालने के बाद में फिर आपको क्या करना है,
कि अगर इसमें नमी नहीं है क्यारी में तो फुहारे की मदद से आप इसमें हल्की सिंचाई कर सकते हैं और इसको प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन हल्का पानी देते रहिए। तो इस तरह से आप इसकी खेत अपनी बेड की टमाटर के बीज की बुआई कर सकते हैं। अब यहाँ पर टमाटर का कितना बीज चाहिए आपको, सीड जो हमारी सामान्य प्रजातियाँ हैं उसमें 300 से लेके 500 ग्राम, डिपेंड करता है कि उसका जर्मिनेशन कितना है। और जो संकर प्रजातियाँ हैं उसमें ये 250 से 300 ग्राम की जरूरत पड़ती है एक हेक्टेयर खेत के लिए। तो इस प्रकार से आप नर्सरी बेड में अच्छा, अब मान लीजिए जब पौधे आपके इससे पहले जमे, आपको प्रत्येक दिन शाम के समय पर इनको पुआल को थोड़ा सा जो आपने वो डाला है कांस उसको थोड़ा सा उठा करके देखेंगे और जब देखेंगे कि इसके पौधे निकलना प्रारंभ हो गए हैं तो आप इस पलवार को हटाइए। लेकिन ध्यान रखें कि पलवार कभी भी सुबह के समय नहीं हटाना चाहिए, पलवार सदैव शाम के समय पर हटाना चाहिए। और शाम के समय पर हटाने के बाद में इसमें जितने भी कूड़ा करकट आपको दिखाई देता है उसको हटा दीजिए और रात को क्यारी को इसको खुला छोड़ दीजिए। या कभी कभी इसमें थोड़ा सा अगर हल्का पानी अगर लगा देते हैं और रात को छोड़ दीजिए तो पौधे निकल के रात भर में खड़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पलवार कभी भी दिन में ना हटाएं। दिन में अगर पलवार को हटाएंगे तो क्या होगा, सूरज के क्योंकि बच्चे हैं, जैसे बच्चे कमज़ोर होते हैं टेंडर, उसी तरह से कोमल बच्चे हैं, उसी तरह से कोमल आपके पौधे भी हैं। तो जब सूरज की तेज़ धूप पड़ेगी तो तेज़ धूप के कारण ये सारे पौधे कुमला जाएंगे, मर जाएंगे। तो इससे बचाव के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप शाम के समय पर, और क्यारी का जो डायमेंशन है 15 से 20 मीटर मैंने आपको इधर बताया था, और इसकी जो चौड़ाई रखी जाती है ये आवश्यकता के अनुसार है कि आपको एक हेक्टेयर खेत के लिए मैंने जैसे लिखा है आपको 80 से 100 वर्ग मीटर की है। तो जितनी क्यारियों की आवश्यकता है इसी के अनुसार आप आगे क्यारियाँ बना करके इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये लेआउट प्लान हुआ और नर्सरी बेड बन गई आपकी, बुवाई बीज की होगी। अब है बात है कि पलवार हटाने के बाद फिर सिंचाई, जब पौधे आपके अंकुर होकर के थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो आपको ये पानी का सोर्स है, यहाँ से आपको बहुत हल्का प्रारंभ में 2-3 दिन तक तो आप फुहारे से पानी डालिए। पौधे जब 1-2 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो यहाँ से इस नाली में पानी भरा जाता है और पानी भर के बहुत हल्का पानी भरिए आधी नाली तक। और ये जो क्यारी आपकी बनी हुई है ये मैंने पहले ही बता चुका है आपको कि उठी हुई रेज्ड बेड है, 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी बनाई जाती है। और जितना भी फालतू पानी इसमें जाएगा वो यहाँ से निकल के और इसमें बाहर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये, यदि आप सामान्य किसी जो सितंबर अक्टूबर में बोते हैं तो 30-35 दिन में आपकी पौध तैयार हो जाती है। लेकिन गर्मी वाली फसल अगर आपको लेनी है तो इसकी नर्सरी आपको डालनी पड़ेगी दिसंबर के महीने में प्रथम सप्ताह में, और उसको आप जनवरी तक डाल सकते हैं। लेकिन जो रबी वाली फसल है इसकी बुवाई सितंबर में की जाती है, 15 सितंबर के बाद, उसके बाद आप बुवाई करिए, 30-35 दिन में आपकी पौध तैयार हो जाती है और उसके बाद फिर उसको लगा सकते हैं। लेकिन जब इसमें 3-4 पत्तियाँ आ जाती हैं तो उस समय इनकी थोड़ी देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। अब वो देख रेख क्या है, पहली बात तो जैसे इसमें पौधे उगेंगे उसके साथ में यदि आपने ठीक से सोलराइजेशन कर लिया है, सौरीकरण कर लिया है क्यारी का, तो इसमें एक वर्ष ये खरपतवार नहीं उगेंगे। और यदि आपने नहीं किया है तो इसमें एक वर्ष ये खरपतवार उगेंगे। तो यहाँ बैठ करके आप इसको पतली खुरपी की मदद से दो लाइनों के बीच में इसमें से जितनी भी घास निकलती है उस घास के तिनकों को निकालते रहिए। दूसरा, कभी कभी यदि आपका उपचार बीज का ठीक से नहीं हुआ, आपने क्यारी ठीक से नहीं की है, तो डंपिंग ऑफ एक बीमारी आर्द्र विगलन है उसकी समस्या आ जाती है। उससे बचाव के लिए आपको क्या करना है कि डाइथेनम 45 जिन्हें मैनकोजेब कई नाम से दवा आती है उसकी 2-2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल के और उसका छिड़काव 10-15 दिन के अंतर पर 2-3 बार कर देते हैं। तो इस प्रकार से 30-35 दिन में आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। अब सामान्य परिस्थिति में आपका ये ठीक है, लेकिन झाड़ी वाली जो परिस्थिति है उसमें क्या करते हैं कि ये जो बेड है इसमें ऊपर से बाँस की खपच या लोहे के एंगल से लगे हुए झोंपड़ी नुमा गुफा नुमा बनाते हैं
और उसके ऊपर पॉलीथीन सीट डाल देते हैं और पॉलीथीन सीट से पूरी क्यारी को ढक देते हैं। इधर किनारा भी ढक जाएगा, इधर बाद में यहाँ पर क्यारी को पॉलीथीन सीट का जो मुँह है उसे यहाँ बंद कर देंगे, उधर से बंद कर देंगे, मतलब बिल्कुल अंदर से एकदम बात एयर टाइट हो जाता है। जैसे ये आपकी क्यारी है तो इसमें आप इस तरह से इसको ढक लेंगे, इसको इस तरह से आर्च बन जाएगी और इस आर्च के ऊपर फिर आप पॉलिथीन की सीट को चढ़ा देंगे इसके ऊपर से, तो इस तरह से ये पूरी क्यारी गुफानुमा बन जाती है। तो ये कार्य जो दिसंबर में बोया जाता है बीज बोने के और उगने से पहले आप इसको कर लेंगे तो जमेंगे, क्योंकि इसके बीज को जमने के लिए 7 से अगर तापमान आपका कम हो गया तो आपका बीज जो है देर से जमेगा। सामान्यतः इसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ऑप्टिमम है, इस पर इसका जर्मिनेशन आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार से किसान मित्रों आपकी ये बेड तैयार हो गई है, अब आगे की क्रिया मैं आपको बताना चाहूँगा। मित्रों बीजों के उगने के बाद उसमें से जैसे मैंने आपको बताया मल्च हटाइए शाम के समय पर और उसके बाद हल्की सिंचाई कर दीजिए और छोड़ दीजिए और उसमें जो भी घास पात है उसको निकाल दीजिए। उसके बाद जो आपको घास दिखाई दे रही हैं तो हाथ की मदद से या पतली खुरपी की मदद से उसमें उगने वाले एक वर्षीय जो खरपतवार हैं, वैसे तो अगर आपने सोलराइजेशन ठीक से कर रखा है तो उसमें किसी प्रकार का एक वर्षीय खरपतवार नहीं उगेगा, क्योंकि इस तरह के प्रयोग हमने कर रखे हैं। हमने सबसे पहले फूलगोभी लिया, फूलगोभी के बाद में पत्ता गोभी लिया, फिर टमाटर लिया और उसके बाद में प्याज लिया। इस तरह से हमने 4 फसलें लगातार एक ही बेड से ली और उसमें कोई भी एक वर्षीय खरपतवार नहीं होगा। अब बात आती है हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या है? कठोरता देना। जैसे कभी कभी पौधे हमारे नर्सरी में कमज़ोर रहते हैं तो आपको जब पौधे करीब 20-25 दिन के हो जाते हैं और आपको 35 दिन के बाद में लगाने हैं तो एक सप्ताह पहले आप क्यारी की सिंचाई बंद कर दीजिए। और सिंचाई बंद करने से क्या होगा कि उन पौधों में थोड़ी सी कठोरता आ जाएगी और पौधे ठीक तरह से खड़े हो जाएंगे। और इसका फायदा ये होता है कि पौधों में थोड़े सा शक्तिशाली हो जाते हैं तो खेतों में जाने के बाद उनमें मृत्यु दर पौधों की कम हो जाती है। तो उस मृत्यु दर को बचाने के लिए हार्डनिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये इरीगेशन या सिंचाई बंद करके कर सकते हैं हार्डनिंग। दूसरी हार्डनिंग हम केमिकल से भी करते हैं। ये पोटेशियम नाइट्रेट का नाम आपने सुना होगा, KNO3। इसकी 0.2% घोल का सोल्यूशन का घोल बना करके पौध लगाने से 4-5 दिन पहले यदि आप पौधों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं तो पौधों में कठोरता आ जाती है और उसके बाद फिर आप इसका खेतों में जाकर के लगा सकते हैं। अब बात आती है प्रोटेक्शन की, प्लांट प्रोटेक्शन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट पेस्ट का आप कैसे करते हैं, कोई भी आपको कीड़ा उसमें दिखाई दे रहा है तो उस कीड़े के अनुसार आप, अब कीड़े 2-3 तरह के होते हैं, एक जो है रस चूसने वाले कीड़े और एक होते हैं काट करके खाने वाले कीड़े। तो जो काट करके खाते हैं उनसे बचाव के लिए आप पौधों पर एमिडाक्लोरपिड दवा आती है, इसका छिड़काव 1-2 ml प्रति लीटर घोल बना करके और उसका 15-20 दिन के अंतर पर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है चूसने वाले, जिसमें आपकी सफ़ेद मक्खी बहुत इसमें आती है। आपके आसपास अगर वहाँ नर्सरी के कोई बैंगन का पौधा है या एजिलेटम लगा हुआ है या दूसरी कोई फसल लगी है तो उस पर सफ़ेद मक्खी ज़रूर होगी और वो जब आपके पौधशाला में आएगी तो उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप उस पर उसके बचाव के लिए कुछ करें। इसके लिए मैंने बताया था आपको पौधशाला में आप फ्यूराडोन दवा 2-3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालें। दूसरा, जब पौधे आपके उग जाते हैं उसमें 2-3 पत्ती आ जाती हैं तो आप बिना किसी को बताए अपने आप 2-3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके डाइथेनम 45 और उसके साथ में 1 ml दवा मेटासिस्टॉक, या मेटासिस्टॉक नहीं मिलता है तो एमिडाक्लोरपिड ले लीजिए 1 ml/L, दोनों को मिला करके और उसका छिड़काव आप पौधों के ऊपर कर देते हैं तो जो चूसने वाले रस चूसने वाले कीड़े हैं उनसे आपके पौधों की सुरक्षा हो जाएगी। अब तीसरी बात आती है इन्वायरमेंट से कैसे बचाएं। जैसे मान लीजिए बहुत
तापमान कम हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नर्सरी के जो बेड है उसके ऊपर पॉलिथीन की सीट चढ़ा करके उसको बचाते हैं। यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी के क्षेत्र में क्या करते हैं कि जो आपकी बेड है उस बेड के ऊपर ये सिरकी या चटाई आती हैं उनसे उसकी छाया कर देते हैं, तो इस तरह से हम पौधों को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से कि मित्रों आप पौधशाला में पौध तैयार कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल केयर हैं कि आपको क्या क्या सावधानी करनी है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो पौधशाला में अब आपको विशेष क्या करना है उसके संबंध में बताऊँगा। सदैव ही जो आप क्यारी बनाते हैं वो धरातल से 6 इंच या 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनानी चाहिए, जिससे पौधे रखने में आसानी होती है। दूसरा, ग्रीष्म काल में सप्ताह में चैनल में एक बार पानी भरें, इससे ज़्यादा ना भरें। तीसरी बात, जो पलवार आप हटा रहे हैं उसे हमेशा शाम के समय पटाएं और बीज उगने के बाद हटाएं। ऐसा नहीं कि आपने बीज उगा नहीं है उसके बाद पलवार हटा दिया, तो जब बीज उग जाता है उसके बाद पलवार को हटाना चाहिए। तीसरी बात है, उगते हुए पौधों को तेज़ धूप से बचाना चाहिए। इसके लिए आप सिरकी का प्रयोग कर सकते हैं, चटाई का प्रयोग कर सकते हैं, पॉलीथीन का प्रयोग कर सकते हैं। और वर्षा काल में और शीतकाल में पौधों को विशेष रूप से बचाने की आवश्यकता होती है और इसके लिए उसी तरह से आप उपाय कर सकते हैं। जो आपकी मिट्टी है पौधशाला की, उसका उपचार बीज को बोने से पहले अवश्य करें और साथ ही बीज का भी उपचार अवश्य करें। यदि उपचार ठीक से करेंगे मृदा का और बीज का, तो ये कीड़े बीमारियों की समस्या आपकी पौधशाला में नहीं आएगी। और यदि फिर भी कोई बीमारी आपके खेत में लग जाती है, जैसे ज़्यादातर आर्द्र विघटन लग जाती है, कुटा लग जाता है, तो उससे बचाव के लिए आपको कवकनाशी दवा डाइथेनम 45 का 0.25% का घोल बना करके 8 से 10 दिन के अंतर पर 2-3 बार छिड़काव कर दें। और बहुत लंबे समय तक पौधशाला में पौधों को न छोड़ें। 30-35 दिन की अवस्था ग्रीष्मकाल में आ जाती है, पौध तैयार हो जाती है, तो उसके बाद उसको पौधे को लगा लेना चाहिए। पौधों की हार्डनिंग अवश्य करनी चाहिए और हार्डनिंग के लिए 7 दिन पहले उसकी सिंचाई बंद कर दें। और जब पौध उखाड़ें तो पौध उखाड़ने से 2 दिन पहले उसमें हल्की सिंचाई कर दें, जिससे पौध उखाड़ने में सुविधा होती है। तो ये सब कुछ बातें हैं। यदि इसके बावजूद भी आपके समझते हैं कि हमारे पौधे कुछ कमज़ोर लग रहे हैं और ठीक से बढ़ नहीं रहे हैं, उनकी बहुत बर्बाद नहीं हो रही है, तो आप यूरिया का 0.5% का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसा करने से पौधों की वृद्धि ठीक से होने लगेगी। तो ये सब सावधानियाँ आप ठीक से करेंगे और करें तो आपको अच्छी पौध प्राप्त होगी। और साथियों, मैंने एक चीज़ बताना अभी मुनासिब नहीं समझा कि जब हमें टमाटर की कल्टीवेशन बढ़ाऊँगा उस समय प्रजातियों के विषय में आपको बताऊँगा, तो ये मैं अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसको बताऊँगा। नमस्कार, आशा है आपको मेरा एक वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आप अपनी राय दें, कोई भी क्वेश्चन आपका कोई प्रश्न है या कुछ जानना चाहते हैं तो उसके संपर्क में बताएं। और हमारी जो चैनल है एग्री अकादमी, उस पर जा करके आप उसको सब्सक्राइब करें और देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं।